हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग इसमें एसएससी सीएचएसएल 2023 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा सेट नंबर है 30। कहने का मतलब हुआ ये कि हम लोग 29 सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं और 30 सेट आज हम कर लेंगे, तो अब हमारे पास 10 सेट और बचेगा। ठीक है, तो इस समय हम लोग कर रहे हैं 11th अगस्त का और आज है शिफ्ट 2। ठीक, उसके बाद आपका बचेगा 14th अगस्त का और उसके बाद 17th अगस्त का। ठीक, 8 उसमें हो जाएंगे, 2 इसमें और बाकी हैं, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सबको पता है। जो बच्चे आज हमारे साथ नए हैं उनके लिए बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा लिंक ऑफ पीडीएफ, तो आप वहाँ चले जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली दोपहर में आपको लिंक मिल जाया करेगा, डेली दोपहर में आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा, डायरेक्ट पीडीएफ लिंक तो इसमें लगा रहता है। ठीक है, तो इसके पहले और हम लोग डिस्कशन करा चुके हैं, सीएचएसएल 2022 का डिस्कशन हो चुका है पूरा, और सीजीएल का भी डिस्कशन हो चुका है, स्टैनो का भी पूरा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, एमटीएस का भी बहुत डिस्कशन काफ़ी हो गया है, 21 वाला जो 22 में हुआ था वो पूरा हो गया है, और जो 22 वाला 23 में हुआ था वो आधा कर दिया हूँ, अभी एमटीएस के एग्जाम के पहले वो भी पूरा कर दूंगा। सीपीओ का डिस्कशन कराया, तो बहुत सारे डिस्कशन हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। आज का क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है एरर का, देखो यहाँ लिखा है ना नो एरर, तो पहला ही क्वेश्चन एरर का है। सेंटेंस पढ़ो, लिखा है द मैन इज अ सोशल एनिमल। देखो एक चीज आप जानते होंगे कि जितना भी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन जब जनरल सेंस में यूज किया जाता है, जनरल सेंस का मतलब हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह यूज किया जाता है, उसके नेचर या हैबिट के बारे में बताया जाता है, तब उसके पहले हम लोग आ या दा यूज करते हैं, ये जरूरी है। जैसे हम कहते हैं डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो उसके पहले आ लगा लेंगे और डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। लेकिन यही चीज़ मैन और वुमेन के लिए नहीं लागू होती, मतलब इफ़ यू आर यूजिंग मैन और वुमेन इन जनरल सेंस, ठीक है, इन जनरल सेंस मीन्स यू आर टेलिंग सम कैरेक्टरिस्टिक सम अबाउट सम नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग मैन और वुमेन, तो आपको इसके पहले आ या एन नहीं लगाना है, मतलब आ और एन इज नॉट यूज विद मैन और वुमेन इफ यूज्ड इन जनरल सेंस। ठीक, चलिए तो यहाँ पर जो लिखा है द मैन इज अ सोशल एनिमल, यहाँ पे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैन और वुमेन जब ये जनरल सेंस में यूज किए जाते हैं, मतलब जब कोई इनकी कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक बताई जाती है या इनके नेचर के बारे में बताया जाता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ मैन के पहले द नहीं लगना चाहिए था और ये सेकेंड वाला आपका आंसर हुआ। ठीक है, आई होप कि अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या पूछ रहे हैं, देखो फिर से ग्रामेटिकल एरर है, पढ़िए देखिए क्या लिखा है। वुड यू लाइक टू वॉच एन मूवी, देखो ये मूवी लिखा हुआ है ना, मूवी को जब हम बोलते हैं तो माँ निकलता है पहले, और माँ क्या होता है, एक कंसोनेंट साउंड होता है, कंसोनेंट साउंड के पहले हम लोग एन नहीं लगाते हैं, आ लगाते हैं। ठीक है ना, वुड यू लाइक टू वॉच, ठीक है, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी टू नाइट एट 8। ठीक है, तो ये जो एन लिखा है वो गलत होगा, यहाँ पे अ लगा लेंगे। क्लियर हो गया, तो ये आपका पहला वाला गलत है, ये दोनों आर्टिकल की मिस्टेक थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए देखते हैं, तो ये हमको देखने में तो इडियम लग रहा है, एक मुहावरा लग रहा है, मुहावरे में हो सकता है एरर दे दी हो इन्होंने। चलिए पढ़ के देखते हैं, तेजा इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तेजा जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ही ऑलवेज मेक्स हे व्हेन द मून शाइंस, नहीं बेटा देखो कभी आप लोगों ने खेती की होगी, आप लोगों में से कुछ लोग तो किए ही होंगे, जिसने खेती की होगी तो जब हम लोग गेहूं की मड़ाई करते हैं तो मड़ाई कब की जाती है, या गेहूं से भूसा कब निकाला जाता है, भूसा और दाना कब अलग अलग करते हैं, जब सन साइंस, एक मुहावरा है सन साइंस, मेक हे व्हेन द सन साइंस, ठीक है ये हो जाएगा। तो पहली बात तो हमको सन लगाना है, सन ये दो में मिल गया, ये मून में है, ये स्टार में है, दो में सन मिला हुआ है तो ये सनसेट लिखा हुआ है, गलत हो गया, सन साइंस होगा, तो आपका कौन सा आंसर हो गया, दूसरा वाला, एडियम है ये। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है सेंटेंस को। क्या है, डिड द कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अब डिड है तो इसके लिए हम चेंज करेंगे क्या, हमने कहा था पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेकेंड फॉर्म लगी होती है या डिड लगा होता है तो हम उसके बदले में क्या यूज करते हैं, वाज या वर लगाते हैं। वर कैसे लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ लिखा आ न्यू प्रोडक्ट, आ न्यू प्रोडक्ट है तो वाज ही होगा और वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉन्च की जगह लॉन्च न होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब एक कॉम्प्लिकेशन और है कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाज स्टार्टिंग में जाना चाहिए, तो ये डिड वाले दोनों कट गए, अब बचा क्या आपका वाज। तो लॉन्च क्या हो रहा है, आ न्यू प्रोडक्ट हो रहा है, कंपनी नहीं लॉन्च हो रही है, तो ये कंपनी ये गलत हो जाएगा, क्या होगा वाज आ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय द कंपनी, तो तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। आई होप कि किसी का गलत नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, अगला क्वेश्चन करना है आपको क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें फिर वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन क्या हुआ है इतना, इन अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डिंग टू ध्यान रखिएगा, इन को अंडरलाइन नहीं किया गया है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। दो चीजें होती हैं, अकॉर्डिंग टू होता है, एक क्या होता है अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, ये होगा अकॉर्डिंग टू, और एक होता है इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है, के अनुसार, ये इन अकॉर्डेंस विद लगता है। अब ये बताओ कि अगर ये इन खाली है तो हम अकॉर्डिंग टू तो नहीं लगा सकते ना, तब क्या लगाएंगे, इन अकॉर्डेंस विद लगाएंगे, मीनिंग दोनों की एक ही है, तो कौन सा आंसर होगा, इन अकॉर्डेंस विद पहला वाला हो जाएगा, क्लियर है, चले आगे, ठीक है। वो भी एक फ्रेज था, एडियम तो नहीं है, फ्रेज है वो। अब अगला क्वेश्चन है सिक्स में, आपको साइनोनिम बताना है किसका, ये अंडरलाइन क्या हुआ, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब क्या होता है, बहुत ही मामूली, मतलब गैर महत्वपूर्ण या एकदम कह सकते हो इनसिग्निफिकेंट कह सकते हो, ट्रिपल कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, पिटी कह सकते हो, पी ई डबल टी वाई, मतलब जिसका कोई खास महत्व ना हो, जो कुछ खास अमाउंट में ना हो, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पोर्टेंट, मेजर कह सकते हो, एक वर्ड और ले सकते हो, एम ई ए जी आर ई, ये हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से कोई हमको मिल जाता है, साइनोनिम बताना है आपको, स्मॉल, स्मॉल तो हो सकता है, ठीक है, स्मॉल हो सकता है, मामूली तो या बहुत लेस इम्पोर्टेंट या लेस अमाउंट के लिए लगेगा, स्मॉल हो सकता है, सीरियस तो इसका एंटोनीम हो जाएगा, यह नहीं लग पाएगा, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का कोई लेना देना है नहीं, अर्जेंट का मतलब क्या हुआ, जो तुरंत बहुत ज़रूरी हो, तो ऐसा भी चांस नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, एकदम से ट्रेवल के लिए स्मॉल सबसे सुटेबल ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन में क्या करना है आपको, अब की बार एंटोनीम बताना है, किसका एंटोनीम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यूडिशियस, ज्यूडिशियस का मतलब क्या होता है, एकदम उचित, न्यायपूर्ण, न्यायोचित, ये तो हिंदी हो गई, अंग्रेजी में क्या कहोगे, एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम सुटेबल होता है, ठीक, एकदम एडिकेट होगा, ठीक, चलिए ये हो गया, तो इसका एंटोनीम बताना है, तो मतलब क्या होगा, अनुचित के सेंस में आ जाएगा, तो हर ज्यूडिशियस एक्ट मेड हिम पॉपुलर ओवरनाइट, एक्ट हर का है, पॉपुलर हिम हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, ग्रामर की गड़बड़ है, लेकिन हम उसको कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्यों ज्यूडिशियस देखना है, हर ज्यूडिशियस एक्ट मतलब बहुत न्यायपूर्ण कार्य किया था उसने, बहुत न्यायोचित कार्य किया था, जिससे वो रातों रात पॉपुलर हो गया या हो गई, चलिए, तो क्रिमिनल एक्ट तो होगा नहीं इसका एंटोनीम में, अनवाइज का मतलब क्या हुआ, बिना समझदारी का, ना समझी वाला, ये क्या है, न्यायपूर्ण है, उचित है, समझदारी भरा होगा, तो अनवाइज जो है इसका क्या हो जाएगा, एंटोनीम हो सकता है, ये सुटेबल एंटोनीम लग रहा है। लॉयल का मतलब क्या हुआ, फेथफुल, बहुत वफादारी से भरा हुआ, ये तो जुडिशियल हो सकता है, और लॉफुल का मतलब भी जुडिशियल हो, जुडिशियस हो सकता है, तो मूर्खतापूर्ण एक्ट क्या होगा, यही अनवाइज एक्ट होगा, जुडिशियस समझदारी भरा हो जाएगा, अनवाइज मूर्खतापूर्ण हो जाएगा, आपका एंटोनीम सेकेंड नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एट नंबर में एंटोनीम बताना है किसका, फिर अंडरलाइन वर्ड है जोवियल, तो जोवियल का क्या मतलब होता है, देखो जोवियल का मतलब होता है ना चीयरफुल, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुश मिजाज होता है, हमेशा हैप्पी रहता है, स्माइलिंग फेस रहता है, मतलब नॉट सीरियस, प्लेजेंट मूड में रहता है, हैप्पी, डिलाइटफुल मूड में रहता है, इसका एंटोनियम लोगे तो सैड, एकदम से उदास, ग्लूमी, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड वाले फॉर्म में रहेगा वो, पढ़ के देखते हैं कहीं और सेंस तो नहीं आ रहा है। द जोवियल होस्ट, होस्ट मतलब मेज़बान, जिसके यहाँ आप मेहमान हैं, तो बहुत ही खुश मिजाज होस्ट ने, मेज़बान ने वेलकम्ड हिज गेस्ट्स विद अ वार्म स्माइल एंड अ हर्टी लाफ, आहा
यही तो होगा, मतलब वही है, खुश मिजाज ही व्यक्ति है। अब चीयरफुल का मतलब मैंने बताया ही था, ये तो साइनोनिम हो जाएगा, तलाश हमें एंटोनिम की है। पेटुलेंट का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है ये आदमी, ठीक है। पेटुलेंट बहुत सल्की टाइप का, जो हमेशा मुंह फुलाए रहता है, इरिटेबल होता है बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड होता है, चिड़चिड़ा, समझ रहे हो ना, ये एंटोनियम हो सकता है। खुश मिजाज का एकदम अपोजिट जा रहा है। बॉयंट का मतलब होता है फ्लोटिंग, कोई चीज़ जो पानी पर तैर रही होती है उसको बॉयंट कहते हैं। और कन्वाइवल, तो कन्वाइवल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली होता है, जो व्यक्ति बहुत मिलनसार होता है, हर किसी से हंस के मिलता है, तो ये तो साइनोनिम हो जाएगा ना, ये भी नहीं आंसर होगा आपके पास, यही दूसरे वाले के अलावा कोई वर्ड नहीं, वही एक है जो नेगेटिव सेंस में गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या करना है, वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन क्या है, इट इज इम्पॉसिबल। अब इतना देखोगे तो इट इज इम्पॉसिबल में कुछ गलत नहीं नजर आ रहा है, सेंटेंस पढ़ के देख लेते हैं ना। आई एम ट्राइंग टू स्टडी, ठीक, आई एम ट्राइंग टू स्टडी, इफ इट इज इम्पॉसिबल विद ऑल दिस नॉइज, ठीक है ना। अब देखो इफ गलत हो रहा है यहां पर तो, और हमने अंडरलाइन शायद गलत कर दी है, ठीक है। क्यों गलत कर दी है मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ये मेरी मिस्टेक है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है और समझा दे रहा हूँ आपके, उसमें नहीं होगा, मैंने वहाँ से सही किया होगा, आपके जो पीडीएफ भेजा था यहीं पे गड़बड़ी हो गई है। और देखिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ लिखा इट इज इम्पॉसिबल तक अंडरलाइन है, और यहाँ जानते हो लिखा दैट को लेकर के इट इज इम्पॉसिबल, बट के साथ इट इज इम्पॉसिबल है, वाइल के साथ इट इज इम्पॉसिबल है, अनलेस के साथ इट इज इम्पॉसिबल है। तो मतलब हम इट इज इम्पॉसिबल के पहले वाला जो ये कंजंक्शन है ये ले लेना चाहिए हमको, इफ इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसमें देखो लिखा है कि आई एम ट्राइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी इफ छोड़ दो, लिखा है कि इट इज इम्पॉसिबल विद ऑल दिस नॉइज, नॉइज बहुत हो रहा है, शोर बहुत हो रहा है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ उधर शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब अब दोनों में विरोध हो रहा है, अपोजिट सेंस में जा रहे हैं, तो इसको इफ की जगह हमें क्या यूज कर लेना चाहिए, बट यूज कर लेना चाहिए, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो बट इट इज इम्पॉसिबल, क्लियर हो गया, ठीक। तो ये अंडरलाइन करने में थोड़ी मिस्टेक होगी, इफ छूट गया था, फिर मैंने आपको समझाया कि कैसे होगा, कंजंक्शन चूंकि ऑप्शन में सारे लिए हुए तो हमको इफ को ले लेना चाहिए था। फिलहाल आपको आंसर समझ में आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या करना है कि सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करना है। लिखा सुरेश स्टोल माय बुक, स्टोल क्या है बेटा, स्टोल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जो लोग पुराने बच्चे हैं आपको समझ में आ गया होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब वही जो रोज बताता हूँ, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये होना क्या चाहिए, वाज स्टोलेन, माय बुक वाज स्टोलेन। ढूंढो इज बीइंग तो होगा नहीं यहाँ पे, गॉट स्टोलेन होगा नहीं, वाज स्टोलेन यहाँ दिया, वाज बीइंग स्टोलेन, बीइंग हम लगाएंगे नहीं इसमें, तो क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको एक एडियम दिया हुआ है। अब करना क्या है कि इसमें जो सिचुएशन दी है उसके हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। यहाँ क्या लिखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है, ठीक है। तो हैविंग अ चिप ऑन वंस शोल्डर, तो हैविंग अ चिप ऑन वंस शोल्डर इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है कि अगर आपका बिहेवियर बहुत ही अनफ्रेंडली और बहुत इरिटेटेड है, आप बहुत चिड़चिड़े मिजाज के आदमी हैं, तो होगा हैविंग अ चिप ऑन वंस शोल्डर। मीनिंग देखते हैं, लिखा है हैविंग एन अननेसेसरी फीलिंग ऑफ गिल्ट, नहीं, हैविंग एन इरिटेटेड एंड अनफ्रेंडली एटीट्यूड, ये होगा। हैविंग अ प्राउड एंड सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा, ग्रेट रेजिस्टेंस टू एनी एडवर्सिटी भी नहीं होगा, क्या होगा आपका, सेकेंड वाला, क्लियर हो गया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, साफ साफ नजर आ रहा है। देखो लिखा ही हैज बीन, शुरुआत हो सकती है, एवरी वन ही नोज, ये शुरुआत नहीं होगा। आगे लिखा है कि सो अपसेट अबाउट हिज, ये बाद में लगेगा, हिम सो रूड, अच्छा अभी भी नहीं, यहाँ लिखा है कि डाइवोर्स एंड दैट मेड हिम सो रूड, हाँ वो क्या है, डाइवोर्स को लेकर के बहुत परेशान है, ही हैज़ बीन सो अपसेट अबाउट हिज डाइवोर्स, ये बना, ही हैज़ बीन सो अपसेट, क्या था, बहुत अपसेट था, किसके बारे में, अबाउट हिज डाइवोर्स एंड दैट मेड हिम, और इसने उसको क्या कर दिया, डी लगा लो, दैट मेड हिम सो रूड, उसको इतना रूड कर दिया, रूड किसके प्रति कर दिया, टू एवरी वन ही नोज, ये लगा दिया। अब समझ में आ गया, पहले आया ही हैज़ बीन की बात, सो अपसेट अबाउट हिज क्या, अबाउट हिज डाइवोर्स, और उस डाइवोर्स ने उसको क्या कर दिया, मेड हिम सो रूड, डी आ गया,
अब सो रूड अबाउट नहीं, हाँ सो रूड टू किसके प्रति, एवरी वन ही नोज, उसके बाद बी लगा दो, ए सी ई डी बी, ए सी ई डी बी कहाँ है, ए सी ई डी और बी, ठीक है। ये तो आपको आई थिंक कि सबका ठीक रहा होगा, ये इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं थी, सेंटेंस सेट हो गया, एक तरफ से एक के पीछे एक लग रहे हैं, ठीक है। चले आगे, इसमें ज़्यादा समझाना है नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको साइनोनिम बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड का। इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड मतलब क्या हुआ, अरे ईडी अगर हटा के सोचो तो इंट्रोवर्ट मतलब कौन होता है, एक ऐसा आदमी होता है जो थोड़ा सा अंतर्मुखी होता है, मतलब अपने मन की बातें वो लोगों से कह नहीं पाता, मन की बात मन ही में रह जाती है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा आउटस्पोकन नहीं होता है, फीलिंग सबको व्यक्त नहीं कर पाता, साई शर्मिला टाइप का हो सकता है वो आदमी, ठीक है, हेजिटेटिंग भी हो सकता है। तो साई ये हो गया, साई मतलब शर्मिला टाइप का व्यक्ति हो जाएगा। सी इज पेनफुली इंट्रोवर्टेड बट एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो इंट्रोवर्ट है, किसी से बताती नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को, लेकिन इंटेलिजेंट है तो शाई हो सकती है। आउट स्पोकन एकदम से इसका एंटोनियम हो जाएगा, आउट स्पोकन मुफट टाइप का आदमी होता है। सोशल होगा तो इंट्रोवर्ट नहीं होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, सोशल होने के लिए भी जरूरी है। बोल्ड नहीं, इंट्रोवर्ट बोल्ड नहीं होगा, बोल्ड नहीं तभी तो अपनी बातें किसी से कह नहीं पाती है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन साइनोनिम है तो शाई हो जाएगा, एंटोनियम होते तो तीनों ठीक हो जाते, हालांकि सटीक तब आउट स्पोकन होता है इसमें। चलो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या करना है आपको, देखो यहाँ लिखा है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप करेक्ट करो। लिखा एवरीवन सिंसियरली एंड पॉजिटिवली वर, ये वर लिखा हुआ है, गलत हो गया। जब ये एवरीवन के लिए लगाओगे तो एवरीवन के लिए वाज लगाओगे, ठीक है ना। तो पहले देख लो वाज की ही गड़बड़ी है क्या कहीं पर, एवरीवन वर तो होगा नहीं, एवरीवन वाज हो सकता है, नो करेक्शन होगा नहीं, एवरी हैड सिंसियरली नहीं होगा, तो यही एवरीवन वाज, ठीक है, तो जिसमें वाज लगा है वही तो आंसर होगा 14 नंबर पे, क्लियर है। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। 15 में क्या है, फिर वही ऑर्डर है, पढ़ के देखो। लिखा है व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट, अभी तो कुछ शुरुआत नहीं हुई, एंड स्टार्ट नहीं कर सकता, यहाँ भी एंड से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या होगा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स, जो लाइट है हमारे जीवन से निकल चुकी है, जा चुकी है, मतलब खुशियाँ चली गई हैं। अच्छा, लाइट जब चली जाएगी तो क्या होगा, डार्कनेस होगा एवरीवेयर, एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, तो डी के बाद क्या लगा दो, बी लगा दो, ठीक, आराम से हो गया। डी बी, डी बी एक ही तो हमको मिला, फिर अब लगा लो और क्या, डी के बाद बी एक ही में ऑप्शन मिल रहा है, हो गया। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो करवा देते हैं, लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, ठीक है ना, और इसके बाद सी लगा लो, एंड आई डोंट नो, आई डोंट क्वाइट नो, मैं नहीं जानता व्हाट टू टेल यू एंड हाउ टू से इट, क्लियर है, यही होगा। आगे आ जाए, अगला क्वेश्चन ले लें 16 नंबर का। 16 नंबर पे एंटोनियम बताना है, किसका बताना है, ये बताना है जो अंडरलाइन किया हुआ है। पहले इसका जो हम मतलब जानते हैं वो बता देते हैं आपको, लूनेसी का मतलब होता है पागलपन, ठीक है, लूनेटिक होता है पागलखाना, लूनेटिक असाइलम, तो लूनेसी होता है पागलपन। अरे तो ये क्लियर ही हो जाए फिर, जब गड़बड़ हो गया, चलो ठीक, तो मतलब समझिए लूनेसी का मतलब पागलपन, मैडनेस कह सकते हो, इनसैनिटी कह सकते हो, इनसैनिटी, ठीक, क्यों, क्योंकि सेन का मतलब क्या होता है, जो आदमी पूरे होशो हवास में, जिसकी बुद्धि वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया चलती है, और इसके पहले इन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनसेन पागल के लिए लगेगा, ठीक है, और लूनेसी पागलपन के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ देख लो सैनिटी, लूनेसी क्या है, पागलपन, और ये सैनिटी, अभी तो मैंने बताया ना सेन क्या होता है, होशो हवास में, इनसेन पागल होता है, तो इन हटा दो सैनिटी, ये आपका एंटोनियम बन गया। डिसमे का मतलब क्या होता है, डिसमे मतलब डिस्ट्रेस, एक तरह का जैसे आप कुछ उम्मीद की हो, आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं, तो निराशा की स्थिति होती है डिस्ट्रेस की। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, गलत फहमी मतलब जिससे आपको अपने को, खुद को लेकर के कोई गलत फहमी हो सकती है, अरे मेरा काम कैसे रुक सकता है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, तो ये आपको अपने बारे में गलत फहमी है, जैसे किसी को लेकर के आपको सोच रहे हो वो आदमी मुझे ना नहीं करेगा, उसने कर दिया, तो आप गलत फहमी थी आपको, ठीक है, ये भी ये डिल्यूजन हो गया। इनसैनिटी, इनसैनिटी इसका क्या हो जाएगा, लूनेसी इनसैनिटी साइनोनीम हो जाएंगे ना, इसलिए इसका इन निकाल दो तो इसका एंटोनीम हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17 नंबर पे, खाली जगह है,
देखें खाली जगह में हमको करना क्या है ये भी तो देखना होता है। कभी तो किसी दिए हुए वर्ड का एंटोनियम साइनोनियम लगा देते हैं, कभी मीनिंगफुल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो मीनिंगफुल एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब दो चीज़ें देखनी, एक तो इसकी मीनिंग सही होनी चाहिए, दूसरे उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो ये इंटेंशनली लिखा, इंटेंशन में टी ई एन होता है, और इंटोनिंगली तो होगा नहीं भैया, ठीक है, इंटेंशनली भी नहीं होता, इंटेंशनली होता है। इंटेंशन की स्पेलिंग क्या होगी, आई एन टी ई टी आई ओ एन, इंटेंशन होता है, ए एल लगा दो इंटेंशनल हो जाएगा, एल वाई लगा दो एक इंटेंशनली हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला होगा। आगे बढ़े अगला 18 नंबर पे, देखो 18 में क्या करना है आपको, करना है करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग इन द गिवन ऑप्शंस। ये देखो ये चार सेंटेंस है, खूब भारी भरकम हेल्दी हिमालय की तरह मोटे तगड़े, और इसमें आपको करना क्या है, स्पेलिंग गलत स्पेलिंग ढूंढ के निकालनी है कि किसकी स्पेलिंग है जो इसमें गलत दी हुई है। तो एक तरफ से हम लोग करते हैं चैलेंजेस पोज्ड की स्पेलिंग, इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस आगे पोज्ड, पोज्ड की स्पेलिंग गलत है, जब चैलेंज पोज किया जाता है तो उसको पी ओ एस ई कहते हैं, डी लगा लोगे पोज्ड हो जाएगा, एक गलती यहाँ है। यहाँ लिखा इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस पोज्ड, यहाँ पोज्ड सही है, बाय द पैंडेमिक, पैंडेमिक गलत हो गया क्योंकि डी ई होता है, ठीक है ना, डी ई एम आई सी ऐसे होना चाहिए पैंडेमिक। चलो अब आगे देखते हैं, ये गलत हो गया, कट गया तो हमें और आगे थोड़े नहीं पढ़ेंगे, हमको कौन पागल कुत्ते ने काटा है कि पूरा सेंटेंस पढ़े, गलती मिल गई छोड़ो यहीं पे। इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस सही है, पोस्ड चैलेंजेस है, बाय द पैंडेमिक सही है, द कंपनी अडॉप्टेड भी सही है, टू रिमोट वर्क एंड सक्सेसफुली एस यू डबल सी डबल एस टी सक्सेसफुली भी सही है, मेंटेन भी सही है, प्रोडक्टिविटी भी सही है, लेवल भी सही है, ये सी वाले में सारा सही है। डी वाला कहो तो देखें, कहो ना देखें, ये पोस्ट देख लो पी ओ डबल एस लगा हुआ है, गलत हो गया, ठीक है आपको तसल्ली मिल गई होगी, अब थर्ड नंबर वाला हमारा आंसर सही है एकदम से, स्पेलिंग की एरर थी इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें देखो क्या लिखा है, दैट कैन सब्सटीट्यूट, और इतना अंडरलाइन किया हुआ है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो दोनों चीज़ें दे रहे हैं ना इंप्रूवमेंट में। देखो लिखो द पर्सन हु डिसलाइक्स एंड डिस्ट्रस्ट्स अदर पीपल, वह व्यक्ति जो दूसरों को डिसलाइक करता है और डिस्ट्रक्ट करता, किसी पे भरोसा नहीं करता है, लिव्ड अलोन अकेले रहता है, इन अ सेक्लूडेड केबिन डीप इन द वुड, जो मतलब गहरे जंगलों में, फार अवे फ्रॉम द हस्टल एंड बस्टल ऑफ सोसाइटी, समाज से बहुत दूर अकेले। इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, जो जंगलों में समाज से बहुत दूर रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, तो सन्यासी ये रेक्लूज और हर्मिट हो गया, जो अंडरलाइन नहीं है उसके लिए तो क्या हो गया, हर्मिट और रेक्लूज। लेकिन कहा इन्होंने कि जो अंडरलाइन क्या है उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना है, जो इधर उधर लिखा है उसके लिए नहीं, तो इसको जरा एक बार क्लियर करता हूँ आपके लिए, फिर अब यही आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा और अपनी गलती को आप देखिए कि आपने क्या गलत किया है। देखो ये जो पोर्शन लिखा है यहाँ पर, लिव्ड अलोन, लिव्ड अलोन इन अ सेक्लूडेड केबिन डीप इन द वुड्स फार अवे फ्रॉम द हस्टल एंड बस्टल ऑफ सोसाइटी, ये सन्यासी के लिए लग रहा है, साधु और सन्यासी के लिए ये लग रहा है, लेकिन चूंकि सब्स्टिट्यूट इसको नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट किसके कर सकते, किसको करना है, अ पर्सन हु डिसलाइक्स एंड डिस्ट्रस्ट अदर पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे इंसानों से को पसंद नहीं करता, नफरत करता है, इसको कहोगे मिसएंथ्रोप, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मिसएंथ्रोप होना चाहिए, ना कि हर्मिट या रेक्लूज होना चाहिए, पेसिमिस्ट निराशावादी होगा इसका कोई मतलब नहीं है, समझ गए, अगर हर्मिट या रेक्लूज लगाए रहे होगे अब समझ जाना कि क्या गलती कर दी थी, ठीक। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ 19-20 नंबर पे, ये खाली जगह दिया है लेकिन इसमें एक ब्रैकेटेड पार्ट है जिसके लिए आपको उसका एंटोनियम यहाँ लगाना है, ठीक, देखते हैं ये फार क्या है, प्रीपोजिशन है तब तो इसका कोई एंटोनियम नहीं होगा, ठीक है, अगर तो कोई दूसरा वर्ड है एडवर्ब वगैरह है तब तो इसका एंटोनियम हो सकता है। चलिए देखो लिखा है कि द जेंटल लैपिंग ऑफ वेव्स, जेंटल, जेंटल का मतलब क्यों, बहुत ऊंची ऊंची नहीं थी लहरें, बहुत ऊंची ऊंची नहीं उठ रही थी, ये हो गया, फॉर द शोर समुद्र तट वॉज द ओनली थिंग दैट कुड बी हर्ड, केवल वही मतलब लहरों का समुद्र तट से टकराने की आवाज़ ही केवल सुनाई पड़ रही थी। तो दो वर्ड आपने सुना होगा, जैसे कोई डिबेट होती है कहीं पर, कोई डिबेट वगैरह होती है तो उसमें कहते हैं कि जैसे दो चीज़ें हैं, जैसे सपोज करो कि युवकों को दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो एक डिबेट है, टॉपिक है युवकों को दहेज लेना चाहिए,
तो फार का मतलब क्या हुआ, हाँ में, सपोर्ट में बोलोगे, और अगेंस्ट का मतलब हुआ इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ बोलोगे। तो फार और अगेंस्ट, ये जो फार और अगेंस्ट लगाया जाता है वो एडवर्ब का काम करता है, तो इस यही वाला फार लगा है। तो फार का मतलब क्या हुआ, लहरें जो हैं वो समुद्र तट से टकरा रही थी, अगेंस्ट, तो द लैपिंग ऑफ वेव्स अगेंस्ट द शोर, अगेंस्ट द शोर के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, फार का अपोजिट अगेंस्ट हो जाएगा, तो ये वाला लगाना है। ठीक है, समझ गए थे कि नहीं समझ गए थे, अगर गड़बड़ हुआ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलो अब ये पैसेज है 21 से 25 तक का, देखो लिखा है टीन एज, जानते हो क्या होता है, 13 से 19 के बीच की जो होती है, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये होती है टीनेज। टीनेज इज अ डैश ऑफ लाइफ दैट एवरीवन गोज थ्रू बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, समझ में आ गया। टीनेज इज अ डैश ऑफ लाइफ मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ की, एक इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है लाइफ का। ड्यूरिंग दिस टाइम ऐसे समय में क्या होता है कि टीनेजर्स गो थ्रू मेनी चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं इनके शरीर में, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, दे मे एक्सपीरियंस मूड स्विंग। अब इनके में क्या होता है ना, इस समय मूड स्विंग बड़ी जल्दी जल्दी होता है, बड़ी जल्दी जल्दी मूड चेंज होता है। हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, अब ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में भी डिफिकल्टी पाते हैं, एंड समटाइम्स कभी कभी क्या होता है डैश इम्पल्सिवली, तो बिहेव करते हैं बहुत इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली मतलब एकदम इम्पेशेंटली, बहुत ही कह सकते हो पैशनेटली, बहुत जोश में, बहुत उन्माद में कभी कभी बिहेव करते हैं। टीनेजर्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट देयर प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक, यही समय है जो इस दुनिया में वो अपना प्लेस डिसाइड करते हैं, एंड मे फेस प्रेशर फ्रॉम पीयर्स, कभी कभी उनके दोस्तों की ओर से भी काफ़ी प्रेशर होता है, पेरेंट्स की ओर से होता है, एंड सोसाइटी की ओर से होता है, टू डैश टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। दोस्तों, दोस्त अलग एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं कि तुम शाम को आओगे जरूर, और उधर मम्मी को एक्सपेक्टेशन है कि वो सब्जी ला के देगा, तो दोनों, कभी सोसाइटी एक्सपेक्टेशन करती है, कभी पेरेंट्स करते हैं, कभी पीएच करते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है। आगे, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीनेजर्स टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम दैट अलाउज देम टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा चाहिए इस उम्र के बच्चों को कि वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकें, डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर सकें, अपनी पहचान बना सकें, और मेक हेल्दी चॉइसेज, ताकि और एक अच्छी चॉइस कर सकें अपने कैरियर को लेकर। डिस्पाइट द चैलेंजेस दैट कम विद बीइंग अ टीनेजर, मतलब इसके बाद भी, इसके बावजूद, इट कैन ऑल्सो बी एन एक्साइटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम, तो चैलेंजेस तो हैं, नो डाउट हैं, लेकिन यही समय है जो तुम्हारे लिए बहुत एक्साइटिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम होगा, जो तुम्हें परिवर्तित करेगा, चेंज करेगा। टीनेजर्स हैव द डैश टू लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है, यही समय है, उनके पास नई नई स्किल्स सीखने का समय होता है, अवसर होता है, तो यहाँ क्या लगाओगे, अपॉर्चुनिटी लगाओगे, चांस लगाओगे, ठीक है ना। लर्न न्यू स्किल्स, नई नई स्किल्स सीख सकते हैं, मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स, दोस्त बना सकते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, एक्सप्लोर न्यू एक्सपीरियंसेस दैट कैन शेप देयर नेचर, ये भी हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स, एजुकेटर्स एंड अदर एडल्ट टू प्रोवाइड टीनेजर्स विद गाइडेंस, इन सब लोगों की जिम्मेदारी होती है उनको गाइडेंस दें, उनको सपोर्ट दें, रिसोर्सेज दें उनको, ताकि दैट कैन हेल्प देम डैश द चैलेंजेज ऑफ द एडोलसेंस, यहाँ चैलेंजेज को क्या करेंगे, फेस करेंगे, जो उनको चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करे। तो यहाँ फेस मतलब यही वर्ड हो, जरूरी नहीं है, फेस करने जैसा कोई वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, आप समझ तो गए ही होंगे, फिर मैं एक तरफ से इसको सॉल्व करता हूँ, अब समझ में आ गया, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहला क्या है कि टीनेज इज अ डैश ऑफ लाइफ, टीनेज लाइफ का क्या है बताओ, क्या है टीनेज, जीवन का एक ट्रांजिशन है, कि फेज है, एक फेज है, मतलब एक समय है लाइफ का। आगे उन्होंने बताया है कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का वो समय है, तो उस समय को क्या कहते हैं, फेज, मैंने कहा था 13 साल से लेकर के 19 साल के बीच का समय है, तो ये बीच के समय के लिए हम क्या यूज करेंगे, फेज यूज करेंगे, माइलस्टोन और फीलिंग नहीं, ट्रांजिशन। आगे आया तो है, लेकिन ट्रांजिशन परिवर्तन के लिए आया है, ये परिवर्तन के लिए नहीं, ये समय के लिए लगा हुआ है, इसलिए फेज लगाओगे, ठीक है। सेकेंड में आ जाओ, तो अब ये जो सेकेंड वाले फिलर के लिए क्या लगाना है हमको, यहाँ के लिए,
वो क्या करता है ना, कभी कभी बच्चा उस समय का दे में एक्सपीरियंस मूड स्विंग होता है उनका और डिफिकल्टी होती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, और कभी कभी वो इम्पल्सिवली क्या करता है, कभी कभी वो इम्पल्सिवली प्रिटेंड करेगा, कभी कभी वो इम्पल्सिवली प्रिटेंड करेगा कि रन करेगा कि प्ले करेगा एक्ट करेगा, तो एक्ट करता है, बिहेव करता है इम्पल्सिवली एकदम से, ठीक है। प्रिटेंड मतलब होता है ना जैसे आदमी बीमार ना हो, बीमार होने का बहाना करे, उसको प्रिटेंड कहते हैं। तो इसमें इसमें इम्पल्सिव नहीं होता, प्रिटेंशन कभी इम्पल्सिव नहीं होगा, रन भी इम्पल्सिव नहीं होगा, प्ले हो सकता है लेकिन एक्ट इम्पल्सिवली ज़्यादा ठीक है, सुटेबल है, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाओ, ठीक। थर्ड फिलर में क्या है जी, पहले ये तो देखो यहाँ पे हम सीन क्या है जरा देखो कि इस समय इनको मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक्सपेक्टेशंस फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रेशर पीयर से होता है, पेरेंट्स से होता है, सोसाइटी से होता है, टू डैश सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, कि उन सब लोगों की एक्सपेक्टेशंस को क्या करे, वो फुलफिल करेगा और क्या। तो किसी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने का क्या मतलब हुआ, फुलफिल करने का मतलब ये सर्टिफाई, एक्सपेक्टेशन को सर्टिफाई नहीं किया जाता, ना मैच किया जाता, ना एक्सपेक्टेशन को अपील किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, कन्फर्म। अब ध्यान रखना CONFORM, यहाँ नीड किसकी थी, फुलफिल की, तो फुलफिल के सेंस में क्या आएगा, कन्फर्म। इस कन्फर्म का मतलब क्या होता है, कैरी आउट करना, ओबे करना, ठीक है। क्या हो गया, कैरी आउट करना या ओबे करना, किसी की उम्मीदों का को ओबे करना, किसी की उम्मीदों का पालन करना, ठीक है ना। तो ये यही एक ऑप्शन आ पाएगा। CONFIRM होता तो ना लग पाता, FORM है इसलिए ये लग जाएगा ओबे करने के सेंस में, क्लियर है। ये तीन हो गया। अब फोर्थ नंबर पे आ जाओ, तो पहले हम देख लेते हैं फोर्थ नंबर में है क्या क्या। फोर्थ नंबर में पॉसिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है और एबिलिटी है, याद रखिएगा। एबिलिटी कैपेबिलिटी और कैप्टिविटी है, सॉरी ये तो हमने गलत बोल दिया। कैप्टिविटी क्या होता है, बंदी होना, किसी का गुलाम होना, ये होता है। एबिलिटी क्षमता के लिए आता है, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए आता है, और अपॉर्चुनिटी किसके लिए आता है, मौका चांस के लिए आता है। अब आ जाओ क्वेश्चन देखो फोर नंबर पे क्या है। फोर नंबर पे देखो क्या क्या रहे हैं, सिचुएशन देखना यहाँ पे। टीनएजर्स हैव द डैश टू लर्न न्यू स्किल्स, उनके पास नई नई स्किल, नई नई क्षमताएं, नए नए कौशल सीखने का क्या होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। अब ठीक है, समझ में आ गया, उनको नई नई चीज़ें सीखने के क्या होगी, अपॉर्चुनिटी हो, पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इसी उम्र में होती है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, अगला वाला पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कोरिलेट का मतलब होता है सहसंबंध स्थापित करना, प्रोपोगेट का मतलब किसी चीज़ का दुष्प्रचार करना, कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष निकालना, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। तो चैलेंजेस की बात आई थी शायद, चैलेंजेस को हम क्या करेंगे, चैलेंजेस को कोरिलेट करेंगे नहीं, चैलेंजेस को प्रोपोगेट भी नहीं करेंगे, कंक्लूड भी नहीं करेंगे, चैलेंजेस को रिड्यूस। यहाँ पे सिचुएशन क्या थी, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, पहले बता देता हूँ सिचुएशन क्या था, कि पेरेंट्स को, टीचर्स को, उनको बच्चे को इस तरह का माहौल देना चाहिए, ऐसी हेल्प देना चाहिए जो उसके तनाव को कम करने में मदद कर सके, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा सिचुएशन, सिचुएशन क्या दी है, यहाँ देखो लिखा है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए, अदर एडल्ट्स के लिए, कि टीनेजर्स को ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें, रिसोर्स प्रोवाइड करें, दैट कैन हेल्प देम डैश द चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस, जो उनके एडोलसेंस के चैलेंजेस को क्या करें, उसको क्या करें, उसको सॉल्व करें, या उसको फेस करें, फेस करने में सक्षम बनाए, या उनके इस चैलेंजेस को रिड्यूस करें, क्योंकि अब यहाँ रिड्यूस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन सुटेबल नहीं है, ठीक है, उनके चैलेंजेस को जो रिड्यूस कर सके, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेट नंबर 30 के 25 क्वेश्चंस हो गए। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कितने क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है। तो 750 क्वेश्चंस आई थिंक हो चुके होंगे, 750 क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके हैं, से नहीं सेवन, हाँ ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक। सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा फिर, और कल हम लोग मिलेंगे अगले वाले सेशन में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।